क्या हुआ? मैंने मैंने बताओ मुझे क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर! आज आप उसे डिस्चार्ज तो कर लेना। हाँ हाँ, आप इनको बेफिक्र होकर घर ले जाएं। लेकिन जो आपने अपने घर का माहौल बताया, आप उसका भी कोई मुस्तकिल हल निकाले। अपने होशो हवास में रहना। तुम्हारी फांस बराबर बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगा जिसकी वजह से मिनहल की तबीयत खराब हो। मुझे तुमसे मिलना है हैदर। अभी? अभी नहीं, कल। अब मेरे पास नहीं कुछ दिन के सिवा। ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी लग रही है। मैं शॉपिंग पे जाने का सोच रही थी। सॉरी, आज नहीं लेके जा सकूंगा, ऑफिस जा रहा हूँ। तो आप ऑफिस जाएं ना दलाल, मैं खुद चली जाऊंगी। अकेली कैसे जाओगी? दानिया भी नहीं है, अगर वो होती तो मैं उससे पूछ लेता कि वो आपके साथ चली जाए। मैं सदफ के साथ चली जाऊंगी दलाल। मेरी कल आसिम से बात हुई थी, वो कह रहा था कि सदफ अपनी अम्मी के घर रहने गई भी। रात को आ गई थी वो, मेरी बात हुई थी उससे। वैसे बेगम साहिबा ने शॉपिंग करनी किस चीज की है? पता नहीं, वहां जाकर देख लूंगी। अच्छा ठीक है, फिर ये रखो। मेरे पास है दलाल, जो दिल में है वो ले लेना। लो। वैसे शॉपिंग भी एक फन है। वो तो मुझे नहीं पता, अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लूंगी। ठीक है, वैसे कौन से मॉल जा रही हो? उसी मॉल जहाँ से शादी की शॉपिंग की थी। वो अच्छा है, ठीक है तो फिर मैं जाऊं। नहीं जा रहा। जा, चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे नहीं लगता कि भाई कभी इजाजत देंगे। हो सकता है हैदर को तुम्हारी बातों में कोई बात दिल को लगी हो, तो तलाल को मना लेगा वो। चलो देखते हैं क्या होता है, वरना हफ्सा हैदर से बात करके आगे का काम संभाल लेगी। हाँ, हफ्सा करवा सकती है ये काम, लेकिन दुआ करो पहले तलाल ही मान जाए। बिलाल साहब, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पीछे काम नहीं रुका। थैंक यू सर, थैंक यू, वेल डन। बिलाल साहब, ये कुछ चेक्स हैं इस पर। जी सर, इसे प्लीज जमा करवा दीजिए। सही, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। अच्छा लगा तुम आए हो। अदर क्या हाल? बिल्कुल ठीक। अच्छा बताओ, कल की मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी गई। आप रिपोर्ट तैयार करवाइए, मैंने भेजूंगा तुम्हें। बिल्कुल भेजना। अच्छा तलाल, कल रायान आया था मेरे पास, मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, वो काम करना चाहता है मेरे साथ। नहीं हैदर, देखो तुम कर लो बात। जी मैं घर से निकल गई हूँ, उसी मॉल में इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
थिंक तुम बिजी हो. नहीं नहीं, हम रयान की बात कर रहे थे. देखो हैदर, मैं चाहता हूँ कि वो फिलहाल अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे, और मैं नहीं चाहता वो इस प्रोजेक्ट में तुम्हें ज्वाइन करे. अभी मैं उसे खुद ही समझा दूंगा. ठीक है. अच्छा चलो, मैं निकलता हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है मुझे. ठीक है, थैंक यू. इतना तैयार शहर होकर कहाँ निकल गई? तलाल ने मुझे बताया था कि मिनल को आज शॉपिंग के लिए जाना है. वाह भाई, कल तो हॉस्पिटल से आके बेगम साहिबा मरी जा रही थी और अब शॉपिंग पर निकल गई. उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो हफ्सा? भाड़ में जाए मेरी बला से, अच्छा है पूरा दिन वापस ना आए. अच्छा ये बताओ, तुम्हारी हैदर से बात हुई? हाँ, मैंने फोन किया था, पहली कॉल पर ही उठा लिया, बिजी था. और उसने कहा कि फ्री होकर ना कल के प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा. शुक्र है, मेरी तो जान हलक में अटकी हुई थी. सही कहा था आपने, मुझे तो खामो का ही वहम हो गया था. अरे मेरे मुंह से वैसे ही उसका नाम निकल गया था. लो दानिया की कॉल है. हाँ बेटा दानिया, कैसी हो? अच्छा तो बहुत अच्छी बात है. हाँ हाँ, बस तुम्हारे अब्बू को थोड़ा वक्त मिल जाए तो फिर हम तुम्हारी तरफ जरूर चक्कर लगाएंगे और चाय भी पियेंगे अपनी बेटी के हाथ से. शॉपिंग में इतना बिजी है कि फोन का ख्याल नहीं, पता नहीं निकली भी है कि नहीं. एक मिनट रुकना. अब बेटा दानिया, तुम्हारे भाई की कॉल आ रही है, मैं जरा अटेंड कर लूं फिर तुम्हें कॉल बैक करती हूँ. हाँ हाँ बेटा तलाल. अम्मी वो मिनल है या निकल गई? वो तो आधे घंटे पहले ही निकल गई थी. अच्छा ठीक है अम्मी, ठीक है ठीक है. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज बेटा. आई एम सॉरी, ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देर हो गई. साइलेंट कर देता हूँ, नंबर सही रहेगा. तलाल. हाँ तलाल. लगता है तुम भी इनके साथ शॉपिंग पे ही निकले हुए हो. क्या मतलब भाई? वो सदफ और मिनल ने शॉपिंग पे जाना था ना? नहीं यार, सदफ बेचारी की तो तबीयत ही ठीक नहीं है, चेंज कर रही है, बस डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ उसे. अच्छा ठीक है, तुम उसे लेके जाओ और मुझे बताना डॉक्टर ने क्या कहा. ओके. क्या करती है मिनल अकेले ही निकल गई? भाभी वैसे हमारे आने से नुजत कितनी संभल गई है ना. बच्चे पता है क्या कह रहे थे, कहने लगे कि अम्मी की बीमारी तो सिर्फ आप लोगों को बुलाने का बहाना थी. आप लोगों के आते ही कैसे उठ के बैठ गई. हाँ वैसे ये बात तो है भाभी, खून के रिश्ते होते ही ऐसे. अच्छा वो जवान मरी जाने का कह रहा था,
मैंने कहा तनाल और मिनहल को आ जाने दो, फिर साथ प्रोग्राम बनाएंगे सब। हाँ भाभी, मिनहल फ़ोन करके हमें बता देगी कि वो लोग कब तक आ रहे हैं, साथ ही चलेंगे। हैदर, तुम हफ्सा से शादी नहीं करोगे। मैं ये जाने बगैर कि मैं शादी क्यों कर रहा हूँ, तुम मुझे रोक रही हो। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम हमारे खानदान का हिस्सा बनो। अच्छा, मैं उसे लेकर ये शहर, इनफैक्ट ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ताल्लुक तो तब भी रहेगा ना, लेकिन तुम्हारे सर से आजाब तो टल जाएगा ना मिनहल। हैदर, तुम, मैं सब जानता हूँ कि वो कितनी बदतमीज और तेज तरार लड़की है। मैं सिर्फ इस वजह से उससे शादी कर रहा हूँ कि तुम और तलाल एक दूसरे के साथ सुकून से जिंदगी गुजार सको। हमारी जिंदगी का सुकून हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से बर्बाद हो रही है। मैं तुम्हें इस तरह तड़ता हुआ नहीं छोड़ सकता मिनल। क्यों मेरी जिंदगी अजाब में डाल रहे हो, क्यों अजियत देते हो मुझे? मैं तुम्हें अजियतों से निकाल रहा हूँ मिनल, तुम समझो तो सही एटलीस्ट। हैदर, मैं जिस हाल में हूँ तुम्हें उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से। तुम चाहे मुझसे जितनी भी नफरत कर लो मिनल, मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही मोहब्बत है जो पहले दिन थी। अगर आज भी मुझसे पहले जैसी मोहब्बत करते हो तो तलाल, एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। कट चलो मिनल। प्लीज तलाल, तलाल, तलाल प्लीज, तलाल मेरी बात सुनो। तलाल प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो। तलाल, तलाल, तलाल एक दफा मेरी बात सुन लो। तलाल एक मिनट रुको। तलाल, तलाल, तलाल प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अफसा जी, हैदर, मैं और अम्मी तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ठीक है, फिर हम लोग थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं तुम्हारे घर। जी जी। हैदर, तुम्हारे सरप्राइज मम्मी को बताऊं? तलाल, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुने। खामोश हो जाओ। तलाल, आपने जो सुना है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ खामोश हो जाओ।
अम्मी हैदर का फोन आया था, वो आज ही अपनी अम्मी को लेकर आ रहा है। जरूर भाई से उसके ऑफिस में बात हो गई है। इसका मतलब है कि तलाल ने रजामंदी जाहिर कर दी है। हाँ हाँ अम्मी, जाहिर है, तभी तो वो आ रहा है और घंटे डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे वो लोग। अरे मगर रयान और तुम्हारे अब्बू तो घर पर ही नहीं है, मैंने बेकरी से कुछ चीजें मंगवानी थी। जब भी काम पड़ता है रयान तो कभी घर पे नहीं होता। मैं तो खुद इस लड़के की आदत से तंग आ चुकी हूँ। अच्छा अम्मी छोड़े, आप सब छोड़ दें, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। लाए आप मुझे पैसे दे, मैं खुद ले आऊंगी जाके। अच्छा ठीक है, फटाफट जाओ और जल्दी से वापस आ जाना। हाँ जल्दी आ जाऊंगी। अरे हफ्सा सुनो, हफ्सा सब फ्रेश और अच्छी चीजें लेकर आना। हाँ अम्मी जाहिर सी बात है। तलाल क्या कर रहे हो, आखिर हुआ क्या है? लो यहां तो सारा मामला ही उल्टा हुआ है। लेकिन हमारे लिए उल्टा नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब वो उस रिश्ते की मुखालफत कर रही थी, मान नहीं रही थी। भाई के बताने पर झगड़ा किया होगा तो आ गया गुस्सा, भाई को कब तक बर्दाश्त करते। खून ने जोश मारा और देखें कर दिया ना अशर बीवी का। लेकिन वो लोग जब आएंगे तो उनके सामने घर का माहौल खराब हुआ होगा, और अगर इनके मूड अच्छे नहीं होंगे तो हैदर की माँ तो फौरन समझ जाएगी। कहीं वो कुछ नहीं कर सकती वो, और हमें इस मिनल साहिबा के मूड से कोई लेना देना नहीं है। और हैदर को मैं इसके बारे में बताती रही हूँ, इस भाई का मूड अच्छा होना चाहिए, यही काफी है हमारे लिए। मिट्टी डालें इस मिनल के मूड पर। खैर मैं जा रही हूँ। रुको हफ्सा, अब क्या हो गया अम्मी? कुछ नहीं हुआ, ये पैसे मुझे दो, मैं सारी चीजें खुद ही लेकर आती हूँ। उतनी देर तक तुम घर समेटो और जाकर ड्रॉइंग रूम की डस्टिंग करो। यहाँ तो एक मुसीबत जान छोड़ती है तो दूसरी गले पड़ जाती है। तलाल तुम? अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरान के सिवा। बताओ मुझे क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा हैदर के साथ? नहीं तलाल, जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने अपने कानों से सुना है मिनल। तलाल आपको सारी बात का अंदाजा नहीं है। जितनी पता चल चुकी है ना, उससे ज्यादा मालूम करने की या सुनने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में मिनल। प्लीज मेरी बात सुनो। बस बस और नहीं मिनल। और अब इस कमरे से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी तुम। तला।
भाई हैदर की कॉल आई थी, वो लोग आ रहे हैं रस्म करने और शादी की डेट लेने के लिए। क्या आग लगाई है तुमने? हाँ क्या मिर्चें भरी हैं भाई के दिलो दिमाग में तुमने? तुम जितनी चाहे मुझसे दुश्मनी कर लो, कितनी चाहे मेरी मुखालफत कर लो, मुंह की खानी पड़ेगी तुम्हें। मेरा दिमाग खराब मत करो अफसा। थोड़ी देर में हैदर और उसकी माँ आ रहे हैं मेरा रिश्ता फाइनल करने। याद रखना मिनहल, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें भी आबाद नहीं रहने दूंगी, समझी? थोड़ी देर में हैदर और उसकी माँ आ रहे हैं मेरा रिश्ता फाइनल करने। मुझे मौत आ जाए। क्या कह रहे हो तुम? दो दिन में निकाह करके इस मामले को खत्म करना चाहता हूँ मम्मी मैं। यानी आ जाऊं और दो दिन बाद तुम्हारी निकाह की डेट लेकर सादगी के साथ तुम्हारी दुल्हन लेकर आ जाऊं? ये ख्वाब देखे थे मैंने अपने इकलौते बेटे की खुशियां मनाने के और हमारे खानदान की इज्जत उसका नाम? प्लीज छोड़ दे इन बातों को, आपको सब कुछ बता चुका हूँ मैं, सब कुछ समझा चुका हूँ, अब टाइम नहीं है मेरे पास, आप प्लीज तैयारी करें चलने के लिए। तुम चाहे मुझसे जितनी भी नफरत कर लो मिनल, मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही मोहब्बत है जो पहले दिन थी। अगर आज भी मुझसे पहले जैसी मोहब्बत करते हो तो
आई एम सॉरी मिनहल, जो तुम्हारे साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। इसको उतार दो। तुम्हारा ये हारमोनिका बजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है हैदर। हमेशा इसकी धुन मुझे सुनाते रहना। आज आखिरी बार तुम्हारे लिए बजाऊंगा मिनहल, आखिरी बार। Thank you.
आपका बेटा गुस्से में घर से निकलकर चला गया है, जबकि भाई को मालूम था और मैंने भी बताया था कि हैदर के घर वाले आने वाले हैं। पता नहीं क्या माजरा है, वरना मिनहल को लेकर तो तलाल के माथे पर कभी पल नहीं पड़े। गलती मिनहल की भी है। तुम्हें कैसे पता? मैंने कान लगाकर सुना था। भाई की बातें तो मुझे समझ नहीं है, लेकिन वो मिनहल बेगम मिन्नतें कर रही थी, प्लीज तलाल बोल बोल कर भाई को मनाने की कोशिश कर रही होगी। ये क्या बेवकूफी कर रहा है तलाल? कोई बेवकूफी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके साथ बहुत सर चढ़ा लिया था ना, उतारना तो था। पागल हो गए तुम दोनों भाई बहन। देखो अगर मिनहल रूट कर अपनी माँ के घर चली गई ना, तो तलाल को भी दोबारा कभी ऑफिस में कदम नहीं रखने देगी। रेहान और तुम्हारे अब्बू का तो पहले ही पत्ता साफ हो चुका है, और अगर तलाल वापस पुरानी नौकरी पर आ गया ना, तो हम सब की जिंदगियां वापस फकीरों जैसी हो जाएगी। अल्लाह करे दोनों सेट हो जाए, खत्म हो जाए आपस के झगड़े इनके। अरे किन के झगड़े खत्म कराने की बात कर रही हो? उन्हीं के जिनके कभी झगड़े नहीं होते थे। मतलब? मतलब मिनल और भाई का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ऐसा हो ही ना जाए। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? सुबह भाई गुस्से में मिनल को खींचते घसीटते अंदर दाखिल हुए हैं। ये क्या कह रही है शबनम? किस बात पे झगड़ा हुआ उन दोनों का? अंदर की बात का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हैदर की कॉल आई थी हफ्सा के पास। कह रहा था कि शाम को अपनी माँ को लेकर रस्म करने आ रहा है। हो सकता है कि ऑफिस में उसने तलाल को भी बताया हो। मिनल तो पहले ही नहीं चाहती थी कि हफ्सा का हैदर से रिश्ता हो। बहस हुई होगी किसी बात पर जो इतना बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। अम्मी आप इतनी लंबी बहस में क्यों पड़ रही हैं? आप ये सारा सामान उठाएं और लेकर किचन में जाएं। अब्बू आज ना हैदर और उसकी अम्मी आ रहे हैं, आप जाके तैयार हो जाएं। और रेहान प्लीज तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लेना। बड़ी आई मेरा हुलिया सुधारने वाली। तलाल तुम? हाँ मैं। अच्छा हुआ तुम आ गए तलाल। देखो मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, सब सच सच बताऊंगा। तुम्हारी एक नहीं सुनने आया मैं हैदर। क्या कहा तुमने अफसा से? शादी की तारीख तय करने आ रहे हो? हाँ ताकि ताकि मिनहल के करीब रह सको। तुम लोगों का हमेशा रिश्ता बंधा रहे? देखो तलाल ऐसा नहीं है। जैसा है और जैसा था सब जान गया हूं मैं। खबरदार जो हिम्मत भी की मेरे घर में कदम रखने की, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, टांगे तोड़ दूंगा। तेरे सिवा और
और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, सब कुछ मिल ही गया मुझे को तेरी वफा के सिवा। बताओ मुझे क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा हैदर के साथ? मैंने अपने कानों से सुना है मिनल, जितनी पता चल चुकी है ना उससे ज्यादा मालूम करने की या सुनने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में मिनल, बस बस और नहीं मिनल। और अब इस कमरे से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी तुम। मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही मोहब्बत है जो पहले दिन थी। अगर आज भी मुझसे पहले जैसी मोहब्बत करते हो तो धोखा देती रही मुझे, धोखा देती रही। क्यों मिनल क्यों? खामोश रहकर आपसे छुपा कर मैंने धोखा दिया है, धोखा दिया है आपको दलाल। मुझे पहले दिन ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। बहुत बुरा किया मैंने आप जैसे सच्चे इंसान के साथ, बहुत बुरा। था आके सिवा अब मैं।